दीदी बोलेছিল বিনা পয়সায় রেশন দেবে দিচ্ছে তো পাচ্ছেন লকডাউনের সময় ঘোষণা করেছিল আগে তো 2 টাকা দিয়ে দিত তারপর মোদিজির অপরিকল্পিত লকডাউনের কারণে মানুষের চাকরি বাকরি সব চলে গেছে ব্যবসা লাটে উঠেছে ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে আর্থিক উপার্জন কমে গেছে দিদি বলেছে যে আগে 2 টাকা দিয়ে দিতাম এখন বিনা পয়সায় দেব বিনা মূল্যে 8 মাস 10 মাস ধরে আপনারা বলুন তো বিনা পয়সায় রেশন পাচ্ছেন কিনা কি মায়েরা পাচ্ছেন কিনা দুহাত তুলে বলুন পাচ্ছেন কিনা আগামী দিন বিনা পয়সায় রেশন চান না বিনা পয়সায় ভাষণ চান বিনা পয়সায় রেশন না বিনা পয়সায় ভাষণ বিনা পয়সায় রেশন আমরা বিনা পয়সায় রেশন দেব আর ভারতীয় জনতা পার্টি বিনা পয়সায় ভাষণ দেবে কি চান বিনা পয়সায় রেশন তার রেশন কোথা থেকে সরবরাহ করা হয় রেশনের দোকান থেকে তাই তো রেশন ডিলারের থেকে আপনারা রেশন নেন দিয়ে তো লাইনে দাঁড়াতে আপনাদের কষ্ট হয় ভালো লাগে লাইনে দাঁড়াতে রোদের মধ্যে গরমের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়ানো ভালো লাগে ব্যাগ নিয়ে থলি নিয়ে প্যাকেট নিয়ে দাঁড়াতে আত্মসম্মানে আত্মঅভিমানে লাগে লাগে ভালো লাগে না খারাপ লাগে লাইনে দাঁড়াতে ভালো লাগে না খারাপ লাগে খারাপ লাগে माता की उपासना और पूजा को टीएमसी के गुंडों ने रुकवाने का प्रयास किया था उन्होंने रोका था लेकिन उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता दुर्गा पूजा को कोई रोक नहीं सकता रामलीलाओं की परंपराओं को कोई रोक नहीं सकता और साथ साथ हम तो अब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब अयोध्या में 500 वर्षों से जो लोगों की तमन्ना थी अयोध्या में हमारे प्रभु भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए देश के अंदर कहीं मैं जाता था माताएं ज्यादा मुझे बोलती पूछती थी कि कब बनेगा भगवान राम का मंदिर कब बनेगा कोलकाता के तो कोठारी बंधुओं ने राम मंदिर के लिए अपनी शहादत दी थी कोलकाता की एक माता ने तो आजीवन अपने पूरी कमाई का पूरा पैसा राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया कहा कि मेरे जीवन का एक ही कामना थी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने और जब राम मंदिर की घोषणा हुई प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के स्वयं राम मंदिर की सलाह को रख करके इस कार्य का शुभारंभ किया उस माता ने अपने जीवन भर की कमाई राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दी मैं आभारी हूं बंगाल के सभी नागरिकों का जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दिया है मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उन सभी नागरिकों को उन क्रांतिकारियों को और उन युवाओं के प्रति भी जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जवानी राम मंदिर के लिए समर्पित करके राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में अपने आप को बलिदान किया था